सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर आने वाले फैसले से पहले प्रदेश में अति संवेदनशील जिलों में शामिल खरगोन जिला और पुलिस प्रशासन अभी से अलर्ट पर है। पुलिस और सामाजिक संगठनों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मुख्यालय पर शपथ पत्र हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के प्रमुख शामिल हुए। कंट्रोल रूम में सामाजिक संगठनों और सभी धर्मों के प्रमुखों ने हस्ताक्षर अभियान चलाने की सहमति दी। मुस्लिम समाज के प्रमुखों ने कहा कि हम शुक्रवार को शहर की सभी मस्जिदों में ऐलान करेंगे कि फैसला जो भी आए सभी को भाईचारा बनाकर रखना है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के कुछ चुनिंदा अति संवेदनशील जिलों में खरगोन भी आता है, इसलिए पुलिस और प्रशासन कोई भी जोखिम या तनाव से निपटने के लिए अभी से कमर कस रहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ऐसा शहर है जहाँ हिंदू मुस्लिम भाई एकता से रहते हैं। हर मुसलमान हिंदू के घर जाता आता है, मुसलमान हिंदू के घर आता है और आपस में शादी ब्याह मौत मैयत में एक दूसरे के साथी होते हैं। हमारे इस खरगोन शहर में भविष्य में कभी भी कोई भी गलत काम नहीं होगा। खरगोन शहर शांत प्रिय शहर है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो दोनों समुदाय सब आंखों पर मान्य करेंगे और देश में अमन और शांति कायम रखेंगे। सिराजुद्दीन शेख, क्या मस्जिदों में भी ऐलान करवाएंगे? और मस्जिदों में मैं अपील है इसकी भेजूंगा, मुस्लिम समाज से निवेदन करूंगा कि सब भाई अमन और शांति बनाए रखें। सर, ये पुलिस विभाग द्वारा और लायंस क्लब द्वारा आज हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जा रही है, सर क्या है सर ये पूरा? देखिए, आगामी दिनों में माननीय न्यायालय द्वारा अयोध्या मुद्दे को लेकर निर्णय आने वाला है, उसको लेकर खरगोन पुलिस और यहाँ के हमारे लायंस क्लब, रोटरी क्लब और दूसरे जो इस तरह के संस्थान हैं, ये मिल के एक हस्ताक्षर अभियान पूरे शहर में, ज़िले में चला रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति हस्ताक्षरित ये प्रतिज्ञा कर रहा है कि उसको भारत के संविधान और कानून पे पूरा भरोसा है और इस शहर और इस ज़िले की शांति व्यवस्था कायम रखने में वो अपना भरपूर योगदान करेगा और निर्णय कुछ भी आए लेकिन वो कानून का सम्मान करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए। इस तरह का एक हस्ताक्षर अभियान जो यहाँ के सामाजिक संगठन हैं उनके सहयोग से पुलिस प्रशासन पूरे ज़िले में चला रहा है, जिसकी आज हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें जिस तरह से यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं सामाजिक संगठनों के, उनकी जो अभिरुचि है, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से लोगों की इसमें भागीदारी बढ़ेगी, जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ हो। सर, पूरे देश में इस तरीके का पहला खरगोन जिले ही? बिल्कुल, हम ऐसी शुरुआत कर रहे हैं और भी लोग अपने अपने तरह से शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन, पुलिस प्रशासन, सब लोग इसमें अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम आज ये सामाजिक संगठनों के सहयोग से प्रारंभ कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बड़वानी